हाँ जी, तो देखें कैसे झटपट से बन गए हैं हमारे बोटी रोल्स, बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा किस तरह से आज हम बनाते हैं ये बोटी रोल्स, वो भी मेरे स्टाइल से। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, आसिया के किचन में वेलकम। मेरे सब व्यूवर्स को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े की ये बोटी रोल। तो इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते। तो इसमें हम जो वो यूज़ करेंगे, हमने लिया थोड़ा सा जो मीट, इसके लिए ज़्यादा मीट भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मीट लेके इसमें हमने जस्ट गार्लिक और जिंजर थोड़ा सा डाल के, अदरक और लहसुन डाल के और सॉल्ट ब्लैक पेपर हल्की सी डाल के तो हमने इसको सॉफ्ट कर लिया। आपने थोड़ा सा इसको हार्डन नहीं देना, बहुत ज़्यादा ना हो जाए सॉफ्ट, टूटे ना। तो और इसके लिए हमने लिए क्रेश्ड सुरख मिर्च एंड नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, हल्दी, और हमने जो वो थोड़ा सा जो मैदा है इसको हमने मिक्स कर लिया, हल्का सा सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा जो है वो 1-2 टीस्पून ऑयल डाल के और थोड़े से हमने वो डाला है बेकिंग पाउडर। तो अभी जो है हम इसको वो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो एक पैन रखा है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने एक पैन रखा है और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के अदरक और लहसुन की थोड़ी सी पेस्ट डाली है और इसमें हमने जो है वो हरा धनिया, ये और थोड़ा ऐड कर दिए, हमने जो है थोड़ी सी वो डाली है तो जैसे आपने ये जो बोटी इसमें डालेंगे और ये जो स्पाइस है ये भी हम इसमें डालेंगे। और इसमें हम जरा अच्छे से थोड़ा सा जो वो फ्राई कर लेंगे, ज्यादा ऑयल में नहीं, बस इसी तरह ही ऑयल आपने बिल्कुल कम डालना है। हाँ जी, तो ये देखें बस आपने इतना ही इसको जो हल्के से ऑयल में आपने इसको जो है वो फ्राई करना है स्पाइस बाद में डाल के। तो देखें जो बोटी है वो टूटे भी ना और मीट भी सॉफ्ट हो और बोटी भी ना टूटे, मतलब बरकरार रहे, पकड़ने से एकदम ऐसे टूट ना जाए। लेकिन आपने इस तरह से बनाना है, बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत ही चटपटी सी, बहुत मज़े की रोल में बनती है। तो अभी जो हम स्टोव पर नॉक कर देंगे और इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। हाँ जी, तो अभी हम थोड़ा सा जो है ये इसको ऐसे ये लेंगे, इसका छोटा सा छेड़ा, देखिए
हाँ जी, तो आपने इस तरह से जो है बना लेना है। और इसको हम कर लेंगे, ऐसे काट लेंगे। ऐसे तो अभी हम एक जो है वो बोटी पकड़ेंगे, इसको ऐसे देखें इस तरह से ऐसे, फिर जो ये हम ऐसे एक बोटी इधर रखेंगे, और ऐसे इसको जब हम देखें इतनी मजे की ये बनती है चटनी के साथ, धनिए या पुदीने की चटनी के साथ आप इसको जो वो जब खाएं तो इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की। और चाय के साथ भी आप मेहमानों के सामने भी उनके आगे भी रख सकते हैं। देखें इसी तरह से हम ये सारी जो है इनको बना लेंगे वन बाय वन। जी तो देखिए इसी तरह से हमने ये सारे जो है इनको बना लिए बोटी रोल, और ऑयल हमारा जो है ये हॉट है। इसमें अभी हम इसको फ्राई कर देंगे। हाँ जी तो देखिए कैसे रेडी है। देखिए कितने मजे के, और जब चटनी के साथ इसको खाया जाएगा वाह क्या बात है। इसमें आप मीट चाहे कुछ कोई भी डाल सकते हैं, इसमें आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो मीट का करें तो बीफ या गोट का भी आप कर सकते हैं, और चिकन का भी कर सकते हैं। ऐसे इस वे से आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी जो है वो इनको भी फ्राई कर लेंगे। आपने जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम से आपने तकरीबन मीडियम रखनी है। हाँ जी तो देखें कैसे ज़बरदस्त हमारे जो है वो बोटी रोल बन गए हैं, और इतने मज़े के। हाँ जी तो देखें हमारा बोटी रोल रेडी है, कितने मज़े के, कितने ज़बरदस्त, कितने यमी। मैंने भी खाए हैं, बहुत ही मज़े के हैं। तो
स्पेशली पुदीने की चटनी के साथ। योगर्ट और पुदीना आप इसको मिक्स करें, हल्का सा सॉल्ट डालें तो इसके साथ, और थोड़ी सी अगर आप चाहें तो स्पाइसी भी रखें तो इतने मज़े के हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बोटी रोल्स आप चाहे बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आसिया का किचन। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।